शेयर मार्केट की कंप्लीट हिस्ट्री क्या है। दोस्तों वीडियो के एंड तक आप लोगों के सारे कंफ्यूजन शेयर मार्केट को लेकर दूर हो जाएंगे, शेयर मार्केट की कंप्लीट नॉलेज शेयर होगी। दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक से होने वाली है, जिसमें आपको शेयर मार्केट के काफी सीक्रेट पता चलने वाले हैं और इसी के साथ आपको अपने इन प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से मिल जाएंगे जो कि आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, आखिर ये क्यों बना, कैसे ये काम करता है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, किस तरह ये काम करता है और आप इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न और बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं, उनको देखकर आप बेनिफिट्स लेना ना भूलें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो ये अच्छे से समझ लीजिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट बोले या शेयर मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, तीनों टर्म का मतलब एक ही होता है। ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेच या खरीद सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जिस तरह किसी मार्केट में, यानी सब्जी मंडी में कह लें, अलग अलग तरह की सब्जियां बेची जाती हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, शेयर खरीदने का मतलब होता है आप किसी कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कि आपको कुछ परसेंटेज उस कंपनी का मालिकाना हक मिल जाता है। इसका मतलब होता है अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज भी आपको मिलेगा, और अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो उसका भी आपको लॉस सहना पड़ सकता है। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां पे पब्लिकली ट्रेड होता है, यानी पब्लिकली व्यापार किया जाता है। चलिए इसे एक थोड़ा मजेदार एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है जिसके लिए 40,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है, लेकिन मेरे पास केवल 20,000 रुपए हैं, तो बाकी के 20,000 रुपए मैं अपने दोस्त यानी सोनू के पास जाता हूं और कहता हूं कि भाई मुझे 20,000 रुपए दे दे। इससे हम दोनों की भागीदारी 50-50% हो जाती है, यानी कि स्टार्टअप का जो भी प्रॉफिट बटेगा वो बराबर बराबर बटेगा। यही चीज लार्ज स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है, यहाँ पर मैं दोस्त यानी कि सोनू के पास ना जाकर पूरी कंट्री के पास जाता हूं और कहता हूं आ जाओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो और शेयर खरीदो, जिससे आप भी उस प्रॉफिट का पार्ट बन पाए। शेयर मार्केट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इसकी शुरुआत लगभग 400 साल पहले हुई थी, 1600 ईस्वी में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी जो कि नीदरलैंड से है। उस समय में लोग शिप से काफी एक्सप्लोर किया करते थे, मार्केट की तलाश किया करते थे। इस दौरान पूरी दुनिया का मैप नहीं पता था, लेकिन फिर भी ट्रेड करने के लिए लोग अलग अलग कंट्री में तलाश में जाया करते थे, जिसके लिए काफी पैसे की जरूरत होती थी। उस दौरान ज्यादा पैसा किसी भी एक इंसान के पास नहीं होता था आजकल की तरह, तो ये लोगों से खुलेआम अपनी जहाजों और शिप्स में पैसा लगाने को कहते थे, ये कहकर कि जब ये शिप्स और जहाज हजारों मील जाकर आएंगे किसी और देश से, तो जितना भी खजाना होगा या प्रॉफिट होगा तो उसमें से कुछ शेयर आपको भी मिल जाएंगे उन पैसों का। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होता था, काफी ट्रेवल करना, वो भी ओशियन में, और 50% से ज्यादा जहाज तो लौट कर भी नहीं आते थे, कुछ टूट जाते थे, कुछ गुम हो जाते थे या लूट लिए जाते थे। तो ऐसा देखकर इन्वेस्टर यानी कि वहां के आम लोग ने ये सोचा किसी एक जहाज में पैसा लगाने से बढ़िया है एक साथ 5 या 6 जहाजों में पैसा लगाओ, एक ना एक जहाज तो वापस आएगा ही। उनमें से एक जहाज सारे लोगों से पैसे कलेक्ट किया करता था। इसी तरह एक शेयर मार्केट सा माहौल बन चुका था, जहां पर जहाजों की बिडिंग शुरू होने लगी, जो भी डॉक्स थे वहां पर जहां से शिप निकला करती थी, ऐसे एक सिस्टम बन चुका था वहां पे, जो काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि कंपनी यानी कि सिस्टम जो वहां बन चुका था डॉक्स में, उसकी पैसों की कमी वहां के आम लोग जो होते थे इकट्ठा करके पूरी किया कर देते थे। इस तरह वहां के आम लोगों को और ज्यादा पैसा कमाने का मौका भी मिल जाता था। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर बन चुकी थी, इसका रिजल्ट ये हुआ कि आजकल के समय में लगभग सभी कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री लगभग स्टॉक मार्केट में निर्भर बन चुकी है। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। ये वो जगह या बिल्डिंग होती है जहां पर लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर दो तरह के मार्केट होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है दोस्तों जहां पर कंपनी जाकर अपने शेयर्स को बेचती है। ये कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने शेयर्स का प्राइस क्या रखती है, लेकिन इसमें कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं, लेकिन कंपनी इसे हद से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिमांड पर ही निर्भर करता है कि आखिर कितना प्राइस लोग देने को तैयार होते हैं लोग शेयर्स को खरीदने के लिए। सपोज मैंने एक कंपनी की लिस्टिंग 10,000 रुपए पर की और उसके 10,000 शेयर 1 रुपीज पर शेयर लोगों को ऑफर किया, लेकिन अगर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की ज्यादा डिमांड है तो उसको मैं और
और ज्यादा बढ़ा या घटा भी सकता हूँ, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। इसलिए आजकल कंपनी एक रेंज में यानी कि मिनिमम प्राइस से लेकर मैक्सिमम प्राइस तक अपने शेयर्स बेचती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किसी भी कंपनी के पास कितने शेयर्स हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है दोस्तों कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बराबर होती है, कम या ज्यादा नहीं। अब ये कंपनी पर निर्भर करता है कि वो अपने कितने शेयर्स बनाना चाहती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपये की वैल्यू अगर एक कंपनी की है तो वो 1 रुपये के 10,000 शेयर भी बना सकती है या फिर 50 पैसे के 20,000 के शेयर भी बना सकती है। और कोई भी कंपनी अपने शेयर्स शेयर मार्केट में बेचती है, कभी भी वो 100% शेयर नहीं बेचती। जो सीईओ होता है वो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स को रखता है, जिससे कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कंपनी में बनी रहे। अगर आप पूरे शेयर्स को मार्केट कर देंगे तो जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं वो सब ओनर्स बन जाएंगे, सभी मालिक बन जाएंगे उस कंपनी के। वो सब डिसीजन भी आराम से ले सकते हैं उस कंपनी के लिए। जिस पर्सन के पास 50% से ज्यादा ओनरशिप होती है या भागीदारी होती है, वही डिसीजन पावर को होल्ड करता है। इसलिए जो फाउंडर होते हैं कंपनी के, वो प्रेफर करते हैं 50% से ज्यादा शेयर उनके पास ही रहें, इससे कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास रह पाए। एग्जांपल के लिए हम फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को ले सकते हैं, जिनके पास 60% से ज्यादा शेयर होल्ड हैं। अब जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स ले भी लिए हैं वो उन शेयर्स को और लोगों को बेच सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, जिससे लोग अपने आप में शेयर्स को बेचते और खरीदते हैं और शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने प्राइस सेट कर दिया था अपने शेयर्स का, अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कंट्रोल नहीं रह जाता शेयर प्राइस का। अब ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई में कि शेयर्स की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी। डिमांड और सप्लाई के अनुसार शेयर प्राइस सेकेंडरी मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है। अब बात करते हैं इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की। लगभग हर बड़ी कंट्री में अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया की दो है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5,310 कंपनियां एनलिस्ट है। दूसरी है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 1600 कंपनियां एनलिस्ट है, लेकिन करेंटली अभी 1,328 एक्टिव ट्रेड करती हैं। अब इतनी सारी कंपनीज के शेयर्स को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट बनी है, जिसको हम कहते हैं सेंसेक्स। दूसरा होती है निफ्टी। चलिए जानते हैं सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके उन सारी कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे, जिसमें नंबर जो दिखाता है वो अब तक के 50 सालों की एवरेज वैल्यू का राइज बताता है कि यानी कि जो प्राइस है वो बढ़ा है या घटा है उन टॉप 30 कंपनीज का। ऐसे ही निफ्टी इंडेक्स है यानी कि नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइस में ऊपर नीचे क्या ट्रेंड दिख रहा है, ये निफ्टी 50 दिखाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे हम अपनी कंपनीज के शेयर को बेच सकते हैं। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर्स बेचने हैं तो उसे कहते हैं पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी का। अगर कंपनी पहली बार लिस्टिंग करती है तो कहलाता है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक को अपने शेयर्स पहली बार ऑफर करा रही हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ये काफी आसान होता था, क्योंकि कोई भी पब्लिक के सामने अपनी कंपनी को लेकर आसानी से बेच सकता था। लेकिन आजकल के टाइम में ये प्रोसीजर काफी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है और होना भी चाहिए, वरना खुद सोचिए स्कैम करना आसान हो जाएगा। वरना कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा और बड़ा चढ़ाकर कहेगा देखो मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, मेरी कंपनी ये सब किया है, और लोगों को झूठ बोलेगा और लोग बेवकूफ बनकर उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और वो पैसे लेकर भाग जाएगा वहां से। एग्जाम्पल के लिए हर्षद मेहता स्कैम और सत्यम स्कैम को ले सकते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई गई, अपने पैसे लिए और भाग गए। तो धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ये स्कैम होते रहे, वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज को ही पता चलता गया कि उन्हें अपने प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, फुल स्कैम प्रूफ भी बनना पड़ेगा। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाते गए, जिसके कारण काफी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बना दिए गए। इसके लिए SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आई। अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है तो SEBI के नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए अब SEBI के नॉर्म्स भी जान लेते हैं। जैसे आपकी कंपनी के अकाउंटिंग पर काफी चेक्स एंड बैलेंस होनी चाहिए, कम से कम 2 ऑडिटर्स से आपकी कंपनी के अकाउंटिंग को चेक होना चाहिए, 3 साल कम से कम होने चाहिए इस प्रोसेस में, 50 से ज्यादा शेयर होल्डर ऑलरेडी होने चाहिए आपकी कंपनी में अगर आपको पब्लिकली लिस्ट कराना है किसी भी कंपनी को तो, और जब अपने शेयर्स को बेचने जाओ अगर आपके शेयर्स की डिमांड नहीं हुई लोगों के बीच में तो SEBI के पास राइट होता है आपकी कंपनी को हटाने का। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे हम इंडिया में शेयर्स को खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री की बात करें तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में लोगों को शेयर्स खरीदने डॉक्स में जाना पड़ता था, और बिफोर इंटरनेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है वहां जाकर काम करना होता था। लेकिन आफ्टर इंटरनेट, जैसे इंटरनेट आता है, हमें जरूरत की 3 चीजों की, सिर्फ 3 चीजों से ही हम शेयर्स को परचेस
बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा है डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट अपने पैसों के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड करने के लिए या पैसे इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी कंपनी के में, और डीमैट अकाउंट स्टॉक जो आप खरीद रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए डिजिटल फॉर्म में। आजकल कुछ बैंक 3-in-1 अकाउंट भी ऑफर करने लगे हैं कि तीनों अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही ऑफर होंगे। हम जैसे लोगों को रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, यानी कि जो आम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा ब्रोकर्स की जरूरत होती है और ब्रोकर बायर्स और सेलर को एक साथ मिलाता है। हमारे लिए ब्रोकर्स हमारा बैंक में हो सकता है या थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है या फिर और कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ब्रोकर्स अपना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, इसको हम ब्रोकरेज रेट भी कहते हैं। ये ब्रोकरेज फी बैंक ज्यादातर चार्ज करते हैं 1%, लेकिन ये भी ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 0.05 से 0.1 भी लेते हैं। ये भी ज्यादा बेहतर है उनके लिए जो ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि एक दिन में काफी सारे स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा ब्रोकरेज फी में ही चला जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्यादा ब्रोकरेज फी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो केवल एक ही बार देनी होगी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आखिर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है, इन्वेस्टिंग में आप जितना भी अमाउंट लगाते हैं उसे कुछ टाइम के लिए आपको होल्ड करके रखना होता है, जबकि ट्रेडिंग में आप जो भी अमाउंट लगाते हैं, जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो थोड़े समय के लिए ही होता है। आपको कुछ ही समय के लिए उसको होल्ड करना पड़ता है, और कभी उसे आप लगाते हैं और कभी आप निकालते हैं। तो यही लगाना और निकालना आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट कहलाता है। इसको एक तरह से हम गैम्बलिंग भी कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट गेन के लिए अगर आप शेयर मार्केट में जो भी आप पैसा लगाते हैं वो ट्रेडिंग का पार्ट कहलाता है। इसमें काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं, उसमें जो रिस्क होते हैं वो थोड़े कम रहते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जो भी आप अमाउंट शेयर मार्केट में लगाते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहते हैं। इन फ्लक्चुएशंस को आप केवल लॉन्ग टर्म में ही मिनिमाइज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें किसी भी पॉइंट में जब भी आपका ग्राफ अप एंड डाउन चलते रहते हैं, क्योंकि रियल जो आपकी ग्राफिकल एनालिसिस होती है वो हमें नहीं पता होती कि मार्केट आखिर जा कहाँ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका जो रिटर्न है काफ़ी बढ़िया निकल के आता है और आपका एक सेफ अमाउंट भी आपके लिए रहता है। अब बात करते हैं क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना गैम्बलिंग का पार्ट है, क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से जुआ ही होता है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल और अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है ढंग से तो वो आपका गैम्बलिंग ही कहलाएगी, क्योंकि जो चीज़ आप फ्लूक यानी आप तुक्के में कोई चीज़ कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका गैम्बलिंग का ही पार्ट होता है। आप स्टार्टिंग में कुछ परसेंट गेन करके प्रॉफिट तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है किसी की भी फंडामेंटल और अकाउंटिंग की किसी भी कंपनी में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो तब आपको लॉस भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपको उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं पता, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि कंपनी कुछ टाइम बाद कैसे परफॉर्म करेगी। इसलिए दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके फंडामेंटल और अकाउंटिंग जरूर चेक कर लें। इन फ्यूचर हम आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देने वाले हैं जिसमें आपको शेयर मार्केट से सेपरेट वीडियो मिलती रहेगी, जो आपको काफ़ी बेहतर और अच्छी नॉलेज देगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ आपको स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। इसी के साथ अगर आप लोग का डीमैट अकाउंट नहीं ओपन है तो आप दिए गए नीचे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या आपका ट्रेड करते हैं उसमें आपको 50% तक की छूट मिलेगी। वो लेकिन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप नीचे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं। बाकी आप शेयर मार्केट की बेस्ट से बेस्ट नॉलेज के लिए जुड़े रहिए, मनी ग्रेडिएंट आपके साथ है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपको ये जानना है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका प्रोसेस क्या है, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मनी ग्रेडिएंट में आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज शेयर की जाएगी, इसलिए जुड़े रहिए मनी ग्रेडिएंट के साथ और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। और अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट करिए। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छी सी फाइनेंशियल वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।